चारधाम यात्रा ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारी बारिश के कारण बहुत कम यात्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आ रहे थे, लेकिन बारिश कम होते ही यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज ठीक होने के बाद से ही चारधाम यात्रा की रौनक लौट आई है। उत्तराखंड में जहां बारिश के कारण चारधाम यात्रा में यात्री बहुत कम हो गए थे, वहीं उत्तरकाशी में एक बार फिर यात्रियों का मेला लगना शुरू हो गया है। गुजरात से आए तीर्थ यात्रियों ने पहाड़ों पर गरबा नृत्य किया और यात्रा के प्रति अपना उत्साह दिखाया। वहीं यात्रियों ने कहा कि यात्रा सुगम और सुरक्षित है, उत्तराखंड की सड़कें बहुत अच्छी हैं, उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे और मददगार हैं, इसलिए इसे देवभूमि कहते हैं। बीच में स्टार्टिंग में तो रश काफी ज्यादा रहा, फिर बीच में एक दो महीने बरसात की वजह से गैप आ गया, तो अभी इस महीने स्टार्टिंग से ही यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी दो चार दिन से लगभग 2,500 लोग के आसपास यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा बोल लग रहा था कि पहले लोग हमारे यहाँ गुजरात में सूरत में सब लोग बोल रहे थे वो बहुत मुश्किल है ये यात्रा, पर अभी तो लगता है कि बहुत आसान हो गई है। ये यात्रा करने का जीत और ज्यादा ये हो गया मजबूत हमारा इरादा। तो गुजरात से आए, गुजरात सूरत सिटी से आए हैं, बस बहुत अच्छा लगा। हरिद्वार आए, हरिद्वार से अभी हम बारकोट आए, बारकोट से कल से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी यमुनोत्री की, उसके बाद गंगोत्री और उसके बाद होगा केदारनाथ और फिर लास्ट में होगा बद्रीनारायण। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।